मध्य प्रदेश में विदिशा जिले के गंज बासौदा में गुरुवार रात 9 बजे बड़ा हादसा हो गया। यहां कुएं में एक बच्चे के गिरने के बाद उसे निकालने के लिए पहुंचे लोगों की वजह से कुआं धस गया। कई लोग अंदर गिर गए। इनकी संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन सुबह तक 20 लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। 4 लोगों के शव भी कुएं से निकाले गए हैं। अब भी वहां रेस्क्यू चल रहा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की सहायता का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि गंज बासौदा में धसने से कुएं में अनेक लोगों के गिरने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम कमिश्नर आईजी रवाना हो गए हैं। साथ ही सीएम के निर्देश पर प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी घटनास्थल पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य के लिए भोपाल से भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रवाना हो गई, कमिश्नर आईजी रवाना हो गए, कलेक्ट्रेट भी घटनास्थल पर है, लगातार मेरे संपर्क में है। तत्काल ही मेरी एसडीएम से वहां बात हो गई थी। रायसेन से भी एसडीआरएफ की टीम और आवश्यक अमला तत्काल वहां भेज दिया गया है। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को मैंने कहा कि तत्काल जाए और राहत और बचाव कार्यों पर सीधी नजर रखे। डीजी, सीएस, संबंधित जितने लोग हैं सबसे चर्चा करके हाइड्रा से लेकर बाकी उपकरण जिनकी आवश्यकता है वो वहां पहुंचाए जा रहे हैं। और अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि संख्या कितनी है, लेकिन घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरी ताकत से प्रशासन राहत और बचाव के कार्य में लगा है। बाकी जगह से भी सब भेजे जा रहे हैं और मैं भी इसी स्थान को मैंने कंट्रोल रूम बना दिया है और लगातार मैं सीधे राहत और बचाव कार्य के संपर्क में हूं और बेहतर से बेहतर प्रयास करके हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे, लोगों को बचाने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं अब इसी काम में लगा हूं।